आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जो सोचते हैं कि आपका देश सबसे अच्छे और अनुशासित देशों में से एक है? आप चाहे कहीं से भी हो, लेकिन आपके दिल का देश प्रेमी तो इस प्रश्न का उत्तर चिल्ला के हाँ देगा। पर अगर लॉजिकली सोचा जाए तो हर देश को अभी तक कुछ ना कुछ सीखना बाकी रह गया है। कोई भी देश अभी तक पूर्णता की स्थिति में नहीं पहुंचा है, लेकिन हाँ, एक ऐसा देश है जो हमें पूर्णता के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। एक ऐसा देश जहाँ लोग सफाई को एक्स्ट्रा काम नहीं बल्कि अपना कर्म समझते हैं। एक ऐसा देश जहाँ हर कोई अनुशासन का असली मतलब समझता है, और वो देश है जापान। आप अभी पूछ रहे होंगे कि ऐसा क्या है भाई इस देश में जो हमारे देश में नहीं। इस प्रश्न का जवाब इस वीडियो में बड़ी ही सरलता से दिया गया है। बने रहिए मेरे साथ जानने के लिए 20 ऐसे काम जो हमें जापान से सीखना चाहिए। पहला है एजुकेशन सिस्टम। जापान एक देश जो कि आकार में भारत से 9 गुना कम है, आज भारत से लिटरेसी रेट रैंकिंग में 117 रैंक ऊपर है। सिर्फ भारत ही नहीं, जापान ने तो यूनाइटेड किंगडम को भी पीछे छोड़ दिया लिटरेसी रेट। तो आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्या है इस देश के एजुकेशन सिस्टम में? ऐसा इसलिए है क्योंकि जापान में बच्चों को पढ़ाई से पहले शिष्टाचार सिखाया जाता है। पढ़ाई के पहले 3 साल कोई एग्जाम्स नहीं होते, बल्कि उन 3 सालों में बच्चों को शिष्टाचार और अनुशासन का महत्व समझाया जाता है। जापान में स्कूल की अटेंडेंस ऑलमोस्ट 99% है। सोचिए, हर स्कूल में 99%। दूसरी सीखने वाली बात है स्वच्छता। जापान के सफाई कर्मचारी हर सुबह एक बहुत ही बड़े धर्म संकट में आते हैं कि क्या साफ करें। वहाँ की सड़कें और गलियां इतने साफ होते हैं कि उन कर्मचारियों को छोटी छोटी दरारों यानी क्रिवाइसेस में से गंदगी ढूंढने निकालनी पड़ती है। यहाँ के स्कूल्स में कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं होते और सफाई का सारा काम बच्चों को ही करना पड़ता है। ये काम उनके लिए अनिवार्य है। अगर यहाँ ऐसा होता तो यहाँ के माँ बाप तो स्कूल को ही जलाते थे। तीसरी सीखने वाली बात है बेघर लोगों की संख्या तकरीबन 0 यानी 0। जी हाँ, आप ये अगली बात सुनकर जरूर चौंक उठेंगे। जापान में जहाँ तकरीबन 12 करोड़ लोग रहते हैं, बेघर लोगों की संख्या 0.004% यानी 0.004% है। 2017 के एक सर्वे के अनुसार जापान में 5,534 लोग बेघर हैं। हमें इनकी सरकारी पॉलिसी से बहुत कुछ सीखना है। चौथी सीखने वाली बात है दृढ़ता। जापान में हर साल 2000 से भी ज्यादा भूकंप आते हैं और हर 5 मिनट में लोगों को कहीं ना कहीं भूकंप का झटका लगता ही रहता है। करोड़ का नुकसान हर साल और उसके साथ लाखों की जानें जाती हैं यहाँ पे, पर इसके बावजूद भी यहाँ लोगों में दृढ़ता बनी रहती है, फिर से अपने पैरों पे खड़े होते हैं। यहाँ के बौद्ध यानी बुद्धिस्ट विश्वास के अनुसार जिंदगी हमेशा चलनी ही चाहिए, नो मैटर व्हाट। ये बात काफी ही रेस्पेक्टेबल है कि एक देश जो कि इतनी कठिन समस्याओं से गुजरता है हर साल, अपने पैरों पर फिर से खड़े होने की क्षमता भी रख पाता है, और इस चीज से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। पांचवी सीखने वाली बात है युवा शक्ति। जापान की युवा शक्ति कई देशों में से कई गुना ज्यादा है, और ये बात फिर से उनके एजुकेशन सिस्टम के साथ लिंक की जा सकती है। यहाँ बच्चे कॉलेज से ही निकलते ही लीडरशिप के गुण के साथ दुनिया जीतने लग जाते हैं। छठी सीखने वाली बात है विनम्रता और शीलता यानी पोलाइटनेस और मॉडेस्टी। जी हाँ, ये भी एक जापान से सीखने वाली बात है। वहाँ पर हर कोई अपने सामने वाले व्यक्ति के साथ आदर और सम्मान से बात करता है। वहाँ सबको अभिवादन के साथ बुलाया जाता है, जैसे कि सैन, चैन एटसेट्रा एटसेट्रा। वहाँ पब्लिक एटिकेट का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। ट्रेन में फोन पे बात करने पे फाइन भरना पड़ता है, चाहे वो कितना भी जरूरी कॉल क्यों ना हो। सातवां सीखने वाला पॉइंट जो है वो है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिस। ये लाइन हमने कितनी बार सुनी है, पर इस मुहावरे का असली अर्थ जापानीज से ही हमें सीखना चाहिए। वहाँ हर कोई अपने से पहले दूसरे आदमी का सोचता है, और इसी सोच के साथ आती है ईमानदारी। चाहे वो रोड पे गिरा सिक्का ही क्यों ना हो, वहाँ का हर व्यक्ति पहले उसे पुलिस स्टेशन में जमा करता है और उसके ओनर को ढूंढने की कोशिश भी करता है। आठवीं सीखने वाली बात है समय की समझ। जापान में एक मुहावरा है, बींग 10 मिनट अर्ली इज अर्ली, बींग 5 मिनट अर्ली इज बींग ऑन टाइम, एंड बींग ऑन टाइम मीन्स यू आर लेट। इसी से ही हमें पता चलता है कि वहाँ के लोग समय को कितना मानते हैं। वहाँ हर कोई समय की कद्र और इज्जत करता है। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि क्यों जापान पूरे वर्ल्ड में सबसे विकसित इवॉल्व्ड देशों में से एक है। ये चीज काश हमारे देशवासियों को भी कोई सिखा सकता। नवीं सीखने वाली बात है यानी नाइन्थ पॉइंट है असमानता में सुंदर। जब आपके घर में कोई एक सिरेमिक या पोर्सिलिन बॉल टूट जाए तो आप क्या करते हैं? जाहिर सी बात है आप उसे फेंक देते होंगे। आखिर एक टूटी हुई चीज को कोई क्यों अपने घर में रखे? पर जापान में कुछ अलग होता है। वहाँ पर बाउल टूटने पे उसको रिपेयर करा जाता है। बस उतना ही नहीं, सारे क्रैक सोने से भरे जाते हैं। उनका मानना यह है कि कोई भी चीज पूर्ण नहीं होती
अगर एक चीज टूट जाए तो उसे रिपेयर किया जा सकता, चाहे वो कुछ भी हो, और वही टूटना उस चीज को एक अलग ही चमक और वैल्यू देता है। ये चीज तो सभी को सीखनी चाहिए। 10th पॉइंट है प्रदूषण की समझ। अब जापान जैसे डेवलप्ड राज्य में प्रदूषण तो कॉमन, पर आश्चर्य वाली बात यह है कि वहां पर हर कोई इसके बारे में जानता है और प्रदूषण को रोकने के लिए हर कोई कुछ ना कुछ करता है। पौधे लगाना, गाड़ियों का कम इस्तेमाल करना और प्रदूषण से बचने के लिए हाईटेक मास्क, सब आपको सिर्फ जापान में ही देखने को मिलेगा। 11वां सीखने वाला पॉइंट है फूड वेस्ट का सही इस्तेमाल। फेंके गए खाने का सही इस्तेमाल कोई जापान से सीखे। वहां के फूड वेस्ट का प्रयोग किया जाता है मन्योर या खाट बनाने के। अब जाहिर सी बात है, आप जहां से भी क्यों ना हो, खाने की बर्बादी कभी पूरी तरह से मिटाई नहीं जा सकती। लेकिन अगर जापान की तरह आप भी उसको किसी अच्छे काम में प्रयोग कर पाए तो फिर वो सराहनीय यानी कमेंडेबल वाली बात। 12वां सीखने वाला पॉइंट है सादगी में सौंदर्य। अगर आप किसी एक जापानीज घर में घुस जाएं, आपको बस गिनी चुनी कुछ फर्नीचर और उससे भी ज्यादा कम सजावट के सामान देखने को मिले। ये इसलिए क्योंकि वहां पर हर कोई सरलता को ही सौंदर्य मानता है और वहां हर कोई जानता है कि भौतिकवादी यानी मटेरियलिस्टिक चीज अस्थायी होती और उन चीजों से सुख नहीं मिलता। इसका एक फायदा यह भी होता है कि जब भूकंप और सुनामी से घर बर्बाद हो जाए तब उसे फिर से बनाने पर ज्यादा खर्च ना आए। अब ये हुई ना समझदारी वाली बात। 13th यानी 13वीं सीखने वाली बात है हाई एंड कस्टमर सर्विस। जापान की टेक्नोलॉजी सिर्फ एडवांस्ड ही नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा कंज्यूमर फ्रेंडली भी है। वहां अगर आप किसी भी दुकान में घुस जाएं तो आपको भगवान की तरह ट्रीट किया जाता है। वहां के दुकानदार लिटरली आपके चरणों पे बैठते हैं। अब ये हुई ना बात। 14th पॉइंट जो सीखने वाला है वो है प्रकृति की स्वीकृति। जापानीज संस्कृति की विशेषताओं में से एक है मनुष्य और प्रकृति के बीच में करीबी संबंध। यहाँ हर कोई प्रकृति के छोटे छोटे उपहार का जी भर के मजा लेता है। यहाँ तक कि इनके स्कूल्स भी हर साल 1st अप्रैल से शुरू होते हैं क्योंकि वो जापान की सबसे सुंदर चेरी ब्लॉसम्स का समय है। और वहां की टीचर्स के अनुसार ये वातावरण पौधे लगाने के लिए सबसे अच्छा होता है। पढ़ने का मजा भी काफी आता होगा वहां। 15वीं सीखने वाली चीज है रेडीनेस। जापान डिजास्टर मैनेजमेंट में विश्व नेता है। ये ऐसा कौन है, ऐसा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि वहां के लोग हमेशा हर दुर्घटना के साथ लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जब कोई देश हर दूसरे दिन तबाह होने की कगार पे रहता है उसको तैयार रहना ही पड़ता है। वाह, मान गए जापान आपको, मान गए। 16वां सीखने वाला पॉइंट है नियमों का पालन करना। नियमों का पालन और आदर करना यहाँ के बच्चों को स्कूल के पहले 3 सालों में अच्छी तरह से सिखाया जाता है और ये गुण वो बच्चे बूढ़े होने तक याद रखते हैं और नियमों का पालन करते हैं। यहाँ अगर सीढ़ियों के 2 हिस्से होते हैं, एक जाने के लिए और एक आने के लिए, तो लोग उनके काम के अनुसार उन 2 हिस्सों का प्रयोग करते हैं, चाहे सीढ़ियों के नीचे हो, उनको वेट ही क्यों ना करना पड़े। ये सीखने वाली बात है भैया। 17वीं बात है जो हमें सीखनी चाहिए वो है काम के साथ मजे। जापान का कॉर्पोरेट वर्कर्स दुनिया में सबसे कुशल कर्मचारियों में से। हाँ, ये बात सच है कि वहाँ का स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज्यादा रहता है, पर वो लोग भी मजे करना जानते हैं। ऑफिस के बाद हर कोई मिलके रेस्टोरेंट्स में समय बिताते हैं, उनके बॉस भी। उनके मुताबिक इससे काम करने की इच्छा और वर्कर्स के बीच भाईचारा बढ़ता है। 18th यानी 18वां सीखने वाला पॉइंट है चोरी की गुंजाइश 0 यानी 0। आपको पहले ही पता चल चुका है कि जापान के लोग काफी ईमानदार होते हैं, लेकिन ये अगली बात सुन के आप जरूर चौंक उठेंगे। क्या आपको मालूम है कि जापान के सुपरमार्केट्स में कोई भी दुकानदार नहीं होते? वहाँ की सारे काम वेंडिंग मशीन्स करते हैं। वो मार्केट्स हमेशा खुले रहते हैं क्योंकि सबको मालूम है कि यहाँ पे कोई चीज चोरी होना नामुमकिन है। ये बात सुन के भारतवासियों को काफी दुख हुआ होगा। 19th यानी 19वां सीखने वाला पॉइंट है परिवार के साथ अच्छे समय बिताने का महत्व। क्या आपने कभी न्यू ईयर जापान में मनाया है? न्यू ईयर एक काफी इम्पोर्टेंट त्योहार है वहाँ। अगर आपने जापान में कभी न्यू ईयर नहीं मनाया तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको सड़कों पे क्या कोई भी लोग दिखाई नहीं देंगे। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि सारे लोग न्यू ईयर अपने परिवार के साथ मनाते हैं। वहाँ सब समझते हैं परिवार एक व्यक्ति के जीवन का सबसे सुंदर उपहार होता है। 20th 20वां आखिरी सीखने वाला पॉइंट है धार्मिक। सबसे सुंदर और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कि हमारा देश जापान से सीख सकता है वो है धार्मिक एकता और सहनशील। वो देश टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में सबसे आगे होने के बावजूद धर्म और परंपरा को सबसे ऊंचा सम्मान देता है। वहाँ के लोग 2 धर्म को मानते हैं, बुद्धिज्म और शिंतोइज्म। उसके बावजूद यहाँ हर कोई उन दोनों भगवानों को सम्मान आदर से पूजता है। ये काफी दिली चीज है जो कि सिर्फ भारत ही नहीं हर देश जापान से सीख सकता है। तो चाहे आप इंडिया से हों, यूएसए से हों, ब्राजील से हों या स्पेन से,
हर देश का हर व्यक्ति के पास सुधरने की गुंजाइश होती है, और आपके देश को सुधरने के लिए पहले आपको सुधरना और खुद को सुधारने के लिए जापान से अच्छा एजेल आपको नहीं मिल सकता। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपको ये पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने को मिला। धन्यवाद।